टू के लिए आपको क्या करना है, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप सब जानते हैं कि एग्जाम टूर चैनल रिवाइज रिजल्ट के लिए सबसे पहले कदम उठाने वाला चैनल था, उसके बाद बहुत सारे लोग आए और सबका सहयोग से रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, आप जानते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बता दें कि सीबीटी टू में कुल 120 अंकों का प्रश्न रहेगा, सीबीटी टू में कुल 120 प्रश्न रहेंगे और आप इस बात को जानते हैं कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी के साथ आपको सही बनाते हुए कम समय में कितना ज्यादा सही कर पाते हैं इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले बताएंगे कि अब आप क्या करें, केवल 5 टिप्स मैं आपको दूंगा और आप 80-85 प्रश्न सही करने में कामयाब होंगे, बस इस वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो। सबसे पहले बता दें कि आपको इस तरीका से ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग से 35 प्रश्न रहेगा और जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न रहेगा। तो आप इस बात को जानते हैं कि कितना भी मेहनत कर लें, रात से दिन कर लें, दिन से रात कर लें, 24 घंटा पढ़े, तो ये 50 में 50 नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसमें आप 35 ला सकते हैं, इसमें 35 ला सकते हैं, यो 100% सही है। एक बात आप फिर गांठ को बांध के सुनिए कि यदि आप इसमें रात दिन कर दे, दिन रात कर दे, तो 50 में 50 नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहां दिन रात करने से 70+ ला सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये 70 का पहले, ये 70 पर विशेष फोकस, यहां से आप 30 उठा सकते हैं, 100 अंक किसी तरीका से हो जाएगा। आप ये 70 अगर उठा रहे हैं, 60 उठा रहे हैं, यहां से 30 उठा रहे हैं, 90 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सोचिए विद्यार्थी, आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। यहां से आप 60 उठा रहे हैं, यहां से 30 उठा रहे हैं, तो आपका 90 हो जाएगा। यदि यहां से 65 कर देते हैं, यहां से 30 करते हैं, तो भी हो जाएगा। यदि थोड़ा सा कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो यहां से आप 60 कर रहे हैं, 65 कर रहे हैं, यहां से 25 करेंगे, तो भी हो जाएगा। तो इस बात को समझें, आपके पास ऑफर है, आप कर सकते हैं, ये दोनों आप 100% कर सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं कर सकते हैं, रात दिन करिएगा तो 90%, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दें, तो मैथ्स और रीजनिंग पर भी विशेष ध्यान देना है, यहां भी देखना है। अब आइए थोड़ा सा बता दें क्या क्या करना है। अब आपको देखना है कि मैं किस तरीका से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और किस पर विशेष फोकस करूं। तो ये तो आपके पास कोई ऐसा टिक्रम नहीं है या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि आप उठाए कौन सा मैं पढ़ूं, नहीं, तो उसके लिए मैं व्यवस्था बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने आप को परखें, परखने के लिए क्या करें, पिछला यानी कि 19 का ये वैकेंसी है, 17 में चले जाइए, तो 17 में जो एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 का, वो 9 पेपर कुल है, उस 9 पेपर को उठाइए और 9 पेपर लगाइए, उसमें आप देखिए कि मैथ्स आप अच्छा से बना रहे हैं कि नहीं, रीजनिंग आप अच्छा से बना पा रहे हैं कि नहीं, जीके जीएस कितना बना रहे हैं, इन सबसे आप वहां से देखिए कि जीके जीएस हम बना रहे हैं तो कहां पे अंतरराष्ट्रीय संस्थान में पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं, या हमारा क्या कमजोर है, या मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, या मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर है, उस बात को वहां से बारीकी से पकड़िए, ठीक है। जब मैथमेटिक्स आप बना रहे हैं तो वहां देखिए कि नंबर सिस्टम आपका कमजोर पड़ रहा है कि परसेंटेज कमजोर पड़ रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस में आप डाउन जा रहे हैं, तो इस बात से यहां से आप परख सकते हैं 9 सेट लगाकर। जैसा आप जानते हैं कि चावल रहता है उसको 1-2 निकाल कर देख लिया जाता है कि कच्चा है कि क्या है, तो आप यहां से अपने आप को जांच सकते हैं, आप यहां से अपने आप को परख सकते हैं। तो ये सबसे पहले काम करेंगे, जितने भी सीबीटी 2 के विद्यार्थी हैं वह जरूर कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तभी तो सीबीटी 1 आया है। तो सबसे पहले आज आप जाकर ये 9 सेट लगाएं, एक ही दिन में लगा ले, 2 दिन में लगा ले, जितना लगा ले उसे मुझे कुछ नहीं, लेकिन ये 9 सेट लगाने के बाद कोई आप काम करें, ये 9 सेट पूरा होने के बाद कुछ करें, ये 9 सेट होने के बाद आप कोई काम करें, ये जब आप 9 सेट लगा ले रहे हैं तब आप अपना रणनीति बनाइए। और रणनीति में इस बात को, मेरा बात को शामिल करिएगा कि इस पर यदि आप फोकस करते हैं, यहां से आप ज्यादा मार्क्स उठाते हैं, इधर कम भी हो जाता है तो मैनेज कर लेगा, लेकिन इस पर कितना भी फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा प्रश्न आ जाएगा तो यहां से चल जाइएगा। इसलिए अगर आपका मैथ्स में थोड़ा अच्छा पकड़ है तो और अच्छा कर लें, यदि आपका जीएस लग रहा है कि हम जीएस कर पाएंगे, मैथ नहीं करते, जीएस कर लीजिए, कोई ना कोई करना होगा, हंस के करें, रो के करें या गा के करें, आप करिएगा तो ही रिजल्ट आएगा, इस बात को आप बखूबी समझते हैं। और एक बात बता दूं, जिन भी विद्यार्थी का यदि 5 में रिजल्ट हुआ है तो उनको 5 बार एग्जाम देना होगा, इस बात को आप जान जाए, जिन विद्यार्थी का 2 में रिजल्ट है तो उनको 2 बार देना होगा, इस बात को भी वो जान जाए,
तीन में है तो तीन बार, तो इसलिए आप मेहनत करें, आपको मौका अच्छा है। जिनका तीन में है तीन बार मौका मिलेगा, कहीं अगर एक जगह हुआ तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका पांच बार है उनको और बेहतरीन मौका है कि कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप मेहनत करें। बंधु आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेहनत करें। तो आप यहां से सबसे पहले आएंगे, जांच लेंगे, यदि लगेगा कि नहीं मैं इसको भी नहीं जांच पाया तो आप एलपी में चल जाइए, यानी कि ड्राइवर वाले में, और 18-19 का जो हुआ है उसको भी आप देख लें, वहां से भी आप अपने आप को जांच लें। तो इस तरीका से जांचने के बाद आप करेंगे और क्या करेंगे, एक काम करेंगे, सबसे पहले बता दें कि आप जब यहां जांचिएगा, जो सब्जेक्ट आपको लगेगा कि कम है, मैथ में ज्यादा ध्यान देना है, तो यहां 3 घंटा समय दीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है, पढ़ने का एक रणनीति होना चाहिए कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस में कम है तो पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, 20-25 क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, डायमेंशन डायग्राम में हमको दिक्कत हो रहा है, यानी कि भर्बल नॉन भर्बल में दिक्कत है, तो उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरा बढ़ेंगे। रीजनिंग दे रहे हैं हमको, कंक्लूजन में दिक्कत है, तो सबसे पहले कंक्लूजन को निकालेंगे, एक दो बुक से पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरीका से आप करके देखिए, 7 दिन में मात्र मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, 7 दिन में आपका नंबर 2 गुना नहीं हो गया तो फिर मुझे आप पूछिएगा, यदि आप 40 ला रहे हैं तो 80 हो जाएगा। ये तरीका केवल 7 दिन अपनाकर आप देख लें, आप अपने आप को परख नहीं पाते हैं, केवल सेट लगाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, डेली थ्योरी पढ़ने का चीज नहीं है। आप सेट लगाएं और एक पेपर पेन लेकर बैठे और वहां देख लें किस किस टॉपिक में सबसे अधिक आपको परेशानी हुई है, वह टॉपिक यहाँ थ्योरी पढ़े। जिस टॉपिक में आपको परेशानी नहीं होती है उसी टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हैं, जिसके कारण आपका सेट में अंक नहीं बढ़ता है। ये मेरा 100% आपके साथ मानना है, आप देख सकते हैं आपके साथ यही घटना घटता है। आप मान लीजिए नंबर सिस्टम तगड़ा है, फिर भी नंबर सिस्टम रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। आपका जीएस में क्या है, करंट बहुत बेटर है, केवल करंट पढ़ते हैं। आपका जीएस में क्या है, यदि आप जीएस बनाते हैं, और आपका इकोनॉमिक्स बेटर है तो केवल इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। उससे नहीं होगा, आपको यहां इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, कैसे कमजोर हैं, उसको आपको पहले पूरा करना पड़ेगा। यदि आप पूरा कर लेते हैं तो कोई रिजल्ट आपका नहीं रोक सकता, इस बात को आप ध्यान में रखें। ऐसा कोई भी एग्जाम होता है उसमें कंपटीशन जो होता है तगड़ा मात्र 50% में होता है, और जब छाटिएगा तो केवल 20% विद्यार्थियों में होता है। तो इस बात को आप 20% में आने का काम करें, आप 10% में आने का काम करें, तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। यदि आपको लगे इस बात से कि मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है, मैं कल सुबह भी एक लेकर आऊंगा रणनीति, और उस रणनीति में रहेगा किस टॉपिक से आपको कितना पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है। इसलिए यदि एग्जाम टूर चैनल पर आप पहली बार हैं, नया है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।